खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में अनवरत जारी है और इसमें बड़ी तादाद में लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं, और साथ ही ये लाभार्थी संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के कई इलाकों में पहुंच रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के हर जिले में पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक कर रही है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जनपद फतेहपुर खजुहा ब्लॉक स्थित भरतपुर और बहादुरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से छूटे पात्रों को लाभान्वित किया जाना है। जिनको नहीं मिला उनको लाभ मिले, इसके लिए यह विकसित भारत यात्रा आई है, जहाँ लाभार्थियों को पंजीकरण भी किया जा रहा है। और उज्ज्वला में तो तत्काल देने का है, किसान सम्मान निधि में जैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा वैसे उनके खाते में पैसा आएगा। कार्यक्रम के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। आवास न था, आवास भी मिल गया, और वो गैस सिलेंडर न था वो भी मिल गया। सारी समस्याएं हमको खूब मिल रही है, हमें कोई कष्ट नहीं। वो राशन कार्ड भी न मिलता था, वो भी मिलने लगा। योजना का लाभ पूरा मिल रहा है, बहुत अच्छा सारा सिस्टम है सरकार का, सारे लोगों को इसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं पड़ती। किस्तें बराबर हमको सम्मान, किसान सम्मान किस्तें बराबर मिल रही। हमारी धान खाना पकाती थी, जिससे उनको टीबी वगैरह की बीमारी हो जाती थी, उनके आंखों की बीमारी हो जाती थी, मोतियाबिंद वगैरह हो जाता था, उससे निजात उनको मिल गई। उनको उज्ज्वला गैस फ्री कनेक्शन मिल गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे देश के हर गांव तक पहुंचकर नागरिकों को जागरूक करने के साथ साथ लाभान्वित भी किया जा रहा है। साथ ही प्रयास है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो जन जन तक पहुंचें और नागरिकों को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सूचना, शिक्षा और संचार वैन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वैन के माध्यम से जहां लोगों सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं योजनाओं से छूटे हुए लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। देखिए झांसी और ललितपुर से ये खास रिपोर्ट। झांसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईसी वैन का स्वागत किया गया। झांसी के वबीना कैन छावनी परिषद में आयोजित शिविर में आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाओं का लाभ दिया गया। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वैन के माध्यम से दी गई। वहीं शिविर में आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के फॉर्म भी भरवाए गए। इस मौके पर झांसी बबीना छावनी के सीईओ ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी विवेकानंद राजेश भी मौजूद रहे। ये जन जागरूकता अभियान में ये विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए कैंप लगाए गए हैं, जिसमें जो लाभार्थी हैं और जो वंचित रह गए हैं लाभों से, उनको यहाँ पर विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें वो अपने आधार कार्ड लाके और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो प्रमुख योजनाएं जो शामिल की गई हैं, उसमें हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आधार कार्ड अपडेशन और हमारा जो ई छावनी का भी यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है, जिसमें छावनी परिसर से रिलेटेड भी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बताया। मैं एक उज्ज्वला योजना का भी विकलांग कोटे से सिलेंडर मिला था, जो हम आजकल अपने घर पर उसको उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को सदाए सदाए
नमन करते हैं। अब हमारी छोटी बहन को कनेक्शन मिला है, सवानी को है, बीगेडी पे सवानी एजेंसी, वहाँ से हमें फ्री लाभ मिला है। वह चूल्हे पे बना रहे, अब गैस पे बना रहा है, अच्छा लग रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की सूचना, शिक्षा और संचार वैन इन दिनों ललितपुर के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अब नगरीय लाभार्थियों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकास खंड बार एवं विरधा के धमना, पुलवारा और पड़ोरिया ग्राम पंचायतों में महिलाओं एवं किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसमें जो लोगों को लाभ दिया जा चुका है वो भी लोग, और जो किन्हीं कारणवश अब तक लाभ नहीं ले पाए हैं उनको लाभ देने की प्रक्रिया इसमें की जा रही है। जिले के जितने लगभग 15-16 विभाग हैं जो है, सभी लोग मिलकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सबके अंदर काफ़ी उत्साह है, और हम लोगों से ज़्यादा उत्साह तो यहाँ की पब्लिक के अंदर है जो काफ़ी बढ़ चढ़ कर करके हिस्सा ले रही है। वहीं नगर पालिका परिषद के इलाइट चौराहा, रैन बसेरा, नेहरू नगर सहित बस स्टैंड तक आने जाने वाले सैकड़ों लाभार्थियों को योजनाओं के पंजीकरण के साथ साथ जानकारी पहुंचाने में कामयाबी हो रही है। हमारी जनता किसी तरह परेशान ना हो, उनको जो लाभार्थी योजनाएं सरकार की हैं उनका लाभ उनको मिले और उनको इन योजनाओं की जानकारी हो, इसके लिए विकसित यात्रा लगातार घूम रही है कि भारत हमारा विकसित हो, इस बात के लिए हम लोग संकल्प भी ले रहे हैं। इस दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की खुशी देखते ही बन रही थी। पहले हमारा कच्चा मकान था, अब पक्का बन गया है, मोदी जी ने बनवा दिया है, गैस सिलेंडर मिला है, नल की भी सुविधा है, टंकी बनवाई गई, बिजली की सुविधा है। खेती बाड़ी में मुझे लागत जो लगती है उसकी परेशानी होती थी, और आज मुझे कम से कम 14-15 किस्तें मुझे प्राप्त हो चुकी है किसान सम्मान निधि से, और अब मुझे खाद बीज लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। फ्री चूल्हा मिला है, पहले बनाते मैं गैस पे चूल्हे पे रोटी, फिर बना रहे मैं अब गैस दाब, मोदी साहब ने उस पे खाना बनाते हैं, वो बच्चे पढ़ भी जाते हैं, पहले बहुत परेशानी होती, अब मोदी जी ने परेशानी रह दूर करी। मेरे को पीएम किसान की वो सम्मान निधि मिलती है, और जैविक खेती भी करते हैं, उससे बाजार में जो फर्टिलाइजर से करते हैं उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, जैविक खेती करते हैं उससे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद ही यही है कि बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज सफलता के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक 3,156 गांव पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित 65,348 स्वास्थ्य शिविरों में 1,03,55,555 लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का अब तक लाभ मिला है। शिविरों में 84 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान ऐप का उपयोग करके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। अब तक 19,03,200 से ज़्यादा कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। शिविर में 36,48,700 से अधिक लोगों की जांच की गई है, जिसमें से 2,63,000 से अधिक लोगों को उच्च यानी बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में भेजा गया है। सिकल सेल रोग के लिए 3,83,000 से ज़्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 18,300 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में भेजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और उन्हें विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चंदा देवी नाम की एक लखपति महिला से पूछा कि तुम इतना बढ़िया भाषण कैसे दे रही हो, क्या चुनाव लड़ोगी? प्रधानमंत्री मोदी और चंदा देवी के बीच हुई ये बातचीत अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। बाद में बरकी में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने चंदा देवी का जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने चंदा देवी की जबरदस्त तारीफ करते हुए कहा कि चंदा देवी जैसा भाषण बड़े बड़े लोग भी नहीं दे सकते हैं। एक बहन हमारी चंदा देवी का मैंने भाषण सुना, इतना बढ़िया भाषण था, यानी मैं कहता हूं बड़े बड़े लोग भी ऐसा भाषण नहीं कर सकते। सारी चीजें इतनी बारीक से वो बता रही थी, और मैंने कुछ सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब भी, और वो हमारी लखपति दीदी है, और जब मैंने उनको कहा कि आप लखपति दीदी बन गई, तो उसने कहा कि साहब
ये तो मुझे बोलने का मौका मिला है, लेकिन हमारे समूह में तो और भी 3-4 महीने लखपति हो चुकी है। तो अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे दिन मोदी काशी के सेवापुरी विकासखंड के बरकी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। अपनी कहानी अपनी जुबानी शीर्षक के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सबसे पहले उनसे रामपुर गांव की महिला चंदा देवी मुखातिब हुई। चंदा देवी ने प्रधानमंत्री को प्रणाम करने के साथ ही उनका स्वागत किया। राधा महिला सहायता समूह की चंदा ने बताया कि उनके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और समूह से जुड़ने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उनका रहन सहन, खान पान, शिक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही थी। चंदा देवी ने बताया कि एक दीदी ने उन्हें समूह के बारे में जानकारी दी और इस समूह से जुड़कर कर्ज लेकर सब्जी की खेती उन्होंने शुरू की और उन्हें 30,000 रुपए का सीधा फायदा हुआ। चंदा देवी ने कहा कि जो मुनाफा उन्हें मिला था उस राशि में से उन्होंने 15,000 रुपए का कर्ज चुकाया और खेती के कार्य को आगे बढ़ाया, जिससे आर्थिक स्थिति पहले से भी ज्यादा सुधरी और जीवन स्तर बेहतर हुआ। उन्होंने कहा कि फिर बैंक सखी बनकर वो कार्य करने लगी और आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ वो आत्मनिर्भर भी हो गई। चंदा देवी ने बताया कि वो अब 1 साल में 1,30,000 रुपए की बचत करती हैं और उन्होंने इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का अनुरोध भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे पूछा कि चंदा देवी आपने कहां तक पढ़ाई की है, जिस पर चंदा देवी ने जवाब दिया कि वो इंटर पास हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, क्या कभी चुनाव लड़ी हैं? तो चंदा देवी ने कहा कि नहीं सर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि आप चुनाव लड़ोगी? चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं, इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। तो जैसा आपने सुना, चंदा देवी ने कहा कि हम आपसे यानी प्रधानमंत्री से प्रेरित होते हैं और आप जो प्रयास करते हैं उससे हम कदम मिलाकर चलते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपके सामने हम बोल रहे हैं यानी भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनके बच्चों और परिवार के बारे में भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा संकल्प है कि देश में 2 करोड़ माताओं और बहनों को लखपति बनाना है और आपकी बात सुनकर यानी चंदा देवी की बात सुनकर वह लखपति दीदी बनेंगी। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चंदा देवी का जो समूह है उसे एक नई जिम्मेदारी सौंपी। शादी विवाह में जो खड़े खड़े खाने के रिवाज से जो खाना बर्बाद होता है, उस खाने को बचाने के लिए उन्होंने यानी प्रधानमंत्री ने खाना परोसने की सलाह दी। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर, तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया जी सर, तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं जी सर, और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाए, फिर वो हाथ में दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाए ऐसे लोगों में जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा जी सर, जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी जी सर, आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी जी सर, और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए जी सर, तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा जी सर। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो
तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो पीएम मोदी ने काशी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से भी संवाद किया। उज्ज्वला योजना से क्या मिलता? सुबह तो बनाते बनाते लकड़ी तो अभी तक मिला नहीं आपको? नहीं मिला है, चूल्हा तो बड़ी लाभ हम लोग के मिल रही है। इतने आराम से अच्छे से खाना बनाए के बच्चा लोग के भेज देते हैं स्कूल। हम आ गया बराबर बंद करना चालू करना? हाँ खुल आ गया है सर। अब लोग के सब कुछ हम लोग के, अब तो लकड़ी वाला आएगा ही नहीं। नहीं 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 बहुए आएगी तो उनको तो सिखाना सारा आशीर्वाद से सब बहु लोग चल रहा है। अब 5 साल से और हम लोग के मिल रहा है सब कुछ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रधानमंत्री हमेशा बना रहे के बना रहे हैं। चलिए आपको कोटि कोटि से धन्यवाद। हमको आपकी तरफ से पूरा योजना मिल गया है सर। क्या क्या मिला सर? हमको आवास मिला, छत नहीं था, झोपड़ी में थे सर। पहले रहने के लिए हमको छत मिला, शौचालय मिला सुरक्षित के लिए सर। फिर आयुष्मान कार्ड मिला, मम्मी को इलाज किराया सर इसी का करवाया। करवाया क्या हुआ था उनको? ऑपरेशन हुआ था सर, पेट का थोड़ा ऑपरेशन था, अपेंडिक्स था उनका, ऑपरेशन इसी तरह अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ जी सर। तो पैसा सारा आप ही के तरफ मिल गया था? मिला था सर। 1 रुपया भी नहीं खर्चा हुआ? राशन मिला। तो कभी जन औषधि के या दवाई लेते हो? सस्ते मिलती है दवाई? जी सर सस्ते मिलता है। तो अपने संसदीय क्षेत्र की विकसित भारत संकल्प यात्रा में पीएम मोदी ने अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से बात की और लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कितने लोग हैं जिसको गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज मिलता है? मिल जाते हैं सबको? अच्छा कब तक मिलेगा? 5 साल पता है सबको? और 5 साल मिलेगा? 2028 तक। अच्छा आपके कृपा से मिलता है? हमारी कृपा या आपकी अपनी कृपा है? नहीं, ये आपने वोट दिया था ना जी। हाँ इसलिए मोदी अच्छे काम कर रहा है। गैस कनेक्शन मिल गया है? गैस चलाना अच्छा रहता है कि वो चूल्हा जलाना अच्छा? तो आप लोगों का खाली टाइम बच जाता होगा, गप्पे मारते होंगे, टीवी देखते होंगे, बच्चों को ध्यान दे रहे हैं? ये बच्चों को अच्छा नहीं लगता होगा? वो तो कहते होंगे ये मम्मी कैसी है, पहले खाना पकाती थी तो किचन में रहती थी, अब खाली हो गई तो बना कर खाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आइए अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। केंद्र सरकार की सभी योजनाएं देशवासियों के जीवन स्तर में जबरदस्त परिवर्तन ला रही हैं और इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना। आइए जानते हैं कितने काम की है ये योजना। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना एक पहल है। स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इन स्ट्रीट वेंडर्स को खोमचे वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वाले इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये सब्जियां, फल, तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकोड़े, ब्रेड, अंडे, वस्त्र, परिधान, जूते चप्पल, शिल्प से बने सामान, किताबें, लेखन सामग्री आदि शामिल होती हैं। इन सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, लॉन्ड्री सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को ये योजना की शुरुआत की।
इस योजना का उद्देश्य है एक वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना। समय पर इस ऋण का पुनर्भुगतान करने पर 20,000 रुपए ऋण की दूसरी और 50,000 रुपए ऋण की किश्त की सुविधा प्रदान करना। प्रतिवर्ष 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना। प्रतिवर्ष 1,200 रुपए तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना। इसके तहत प्रति डिजिटल लेन देन पर 1 रुपए का कैशबैक प्रदान किया जाता है, जो 1 महीने में अधिकतम 100 रुपए यानी 1 वर्ष में 1,200 रुपए है। लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड। ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग पहचान पत्र है, ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वेक्षण में चिन्हित कर लिया गया है परंतु सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है, ऐसे विक्रेताओं को प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग IT आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सृजित किया जाएगा। ये योजना आधार आधारित EKYC का उपयोग करती है, एंड टू एंड IT प्लेटफॉर्म का करती है उपयोग और आवेदन की स्थिति के बारे में अपडेट करने के लिए SMS आधारित सूचनाएं देती है। PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी। अब तक 80,16,000 से अधिक ऋण स्वीकृत। 57,43,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 73,97,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शहरी गरीब सामाजिक आर्थिक वर्ग के लिए तैयार की गई पहली माइक्रो क्रेडिट योजना को अपना समर्थन प्रदान करते हुए इस महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। PM स्वनिधि योजना डिजिटल भुगतान के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाती है। स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की उपलब्धि भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए एक आशाजनक भविष्य का प्रतीक है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण खंड को वित्तीय स्थिरता, मान्यता और विकास के अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ संकल्पित है। तो PM स्वनिधि योजना से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस योजना के तहत अब तक करीब 80,16,000 लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत देश के कई हिस्सों से लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। मैं स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मैं 3 महीने पहले अप्लाई किया था लोन, उसके लिए मेरे को तुरंत लोन मिल गया था, जिससे मैंने अपना ये चाउमीन का ठेला लगाया था जो अभी सही ढंग से मेरा चल रहा है। बहुत अच्छी खासी मतलब इसका मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए लोगों को आगे भी इसके लिए लोगों को बताना चाहूँगा कि मतलब इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना जो हमारे प्रधानमंत्री ने ये हम पर लागू की है और हम यहाँ गरीब लोग अपना फार्म भरवा कर और लाभ हासिल करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम बड़े ही खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए इतनी सुविधाएं कर दी हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी सुविधाएं कर रखी है। PM स्वनिधि से मुझे लोन दे, मैंने अपना रोज़गार किया है, आज मैं रोज़गार अच्छा कर रहा हूँ, मेरी दुकान अच्छी चल रही है, जिससे मैं कई तरह के जूते चप्पल रखे हुए हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी का। हमें 10,000 का लोन मिला था PM स्वनिधि योजना के तहत, वो हमने भर दिया है। अब 20,000 मिला है। चाट का ठेला लगाते हैं, पहले चल नहीं रहा था, उसके बाद हमने स्टील का बनवाया है, अब चला रहे हैं उसको। अच्छे अच्छे लोग आते हैं खाने के लिए। हमने 20,000 रुपये स्वनिधि योजना से प्राप्त किए हैं, जिससे हमने अपना ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है। 10,000 का जो लोन चल रहा था PM स्वनिधि, तो हमने एक इसमें छोटी सी दुकान डाली चाय की, जो आज हमारा लोन 50,000 से भी ऊपर हो गया है और हमारी दुकान अच्छी जो चलने लगी है, हमारे घर का अच्छा भरण पोषण होने लगा है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए TD न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद